Okay, the next compound is yes. And try to name this. Hurry up. You started the naming. Try to name this now. I'm writing two or three compounds and then you will name it. चलो बेटे स्टार्ट करो नेमिंग इसकी. हरी अप, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स टू. सी बेटे द फर्स्ट कंपाउंड इज हेक्सामीन. ठीक है, हेक्सामीन आप लिगेंड का नेम पहले दोगे, दैट इज हेक्सामीन, देन कोबाल्ट. ठीक है, क्योंकि ये बेटे एक केटायनिक कॉम्प्लेक्स है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि काउंटर आयन आपका नेगेटिव है. ठीक है, तो हेक्सामीन कोबाल्ट और इसकी ऑक्सीजन स्टेट निकालोगे जैसे कल निकाली थी. तो एक्स प्लस जीरो माइनस थ्री will be plus 3. So it will be hexaamine cobalt roman mein 3 aur ye kya ho jayega chloride. So hexaamine theek hai cobalt okay. सो नेक्स्ट चीज बेटे कुछ नहीं, इसमें तो वाटर ही है और ये केटाइनिक कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक तो नहीं है. इट इज हेक्सा एक्वा टाइटेनियम. ये सीओ क्या होता है, दैट इज ए कार्बन ऑयल. कार्बन ऑयल जब भी लगाओ, कार्बन ऑयल में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है सेंट्रल मेटल एटम की वो जीरो ही रहती है. इट इज टेट्रा कार्बन ऑयल निकल. ठीक है, और इसका सिनर्जिक इफेक्ट होता है, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट है. This is very strong field ligand. Okay जी बेटे, it is carbonyl. ठीक है, तो it is tetracarbonyl. This is tetracarbonyl nickel. Okay, zero, no oxidation state of it. There is no oxidation state of nickel in this. Whenever, remember, whenever there is a carbonyl, there is no oxidation state of the central metal atom as it has a synergic effect. Synergy क्या होता है बेटे? Carbonyl अपना दो electrons दे रहा है nickel को और जो nickel है इसको back bonding करता है इसमें. ठीक है, तो ये एक बहुत strong field ligand हो जाता है. और भी देखो बेटे, just I am writing more of the compounds for you.
जी, तो बेटे फर्स्ट में आपको कौन कौन से, देखो बाहर तो काउंटर आयन यू कैन सी पोटेशियम लगा हुआ है, ठीक है, बाहर काउंटर आयन पोटेशियम लगा हुआ है, उसके अलावा देर आर टू लिगेंड्स, ठीक है, उसके अलावा बेटे देर आर टू लिगेंड्स, वन इज वाटर, वाटर को आप एक्वा ही बोलते हो, ये हो गया आपका ऑक्सलेट, आपने कल भी किया है, दिस इज ऑक्सलेट, ठीक है, और जब ये वाटर बाहर प्रेजेंट है इट इज प्रेजेंट एज हाइड्रेट, तो इसको अब एक्वा नहीं बोलते या वाटर नहीं बोलते, इसे हाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है जी, हाइड्रेट बोलते हैं। तो पहले आप पोटेशियम बोलोगे जस्ट राइट, फिर आप वाटर मीन्स एक्वा या ऑक्सलेट बोलोगे। हरी अब ट्राई टू नेम दिस, यू हैव 1 मिनट, जस्ट ट्राई टू राइट डाउन योर सेल्फ। हाँ जी, आर यू आर देयर ऑल ऑफ यू, कौन कौन सुन रहे हैं, आदित्य, देन अवि, देन सुप्रिया, देन गुंजन। हाँ जी, तो ट्राई टू राइट डाउन रिटेन। हरी अब शिवम, गुंजोत, काम्या, मानसी, कृष। हरी अब जस्ट ट्राई टू नेम इट। सो बेटे सी, तो इसमें बेटे इसको बोलोगे पोटेशियम, ठीक है, दिस इज ऑल्सो डाई एक्वा, दिस इज डाई ऑक्सलेटो, ठीक है, वाटर एक न्यूट्रल लिगेंड है, इसके लिए आप एक्वा वर्ड यूज करते हो, एक्वा बोलोगे, तो पोटेशियम डाई एक्वा, ठीक है जी, पोटेशियम डाई एक्वा डाई ऑक्सलेटो। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे तो पोटेशियम क्या होता है बेटे, पॉजिटिव 1, पोटेशियम इज पॉजिटिव 1, क्रोमियम की निकालनी है, वाटर की 0 है, एक ऑक्सलेट की -2 है, तो 2 की -4 हो जाएगी, ठीक है, तो +1 -4 विल बी +3, ठीक है, इट विल बी +3, तो पोटेशियम डाई एक्वा डाई ऑक्सलेटो क्रोमियम या क्रोमेट। अरे अब बेटे ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, ध्यान से समझो इसको, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम लगा है तो इसका मतलब ये एनायनिक है, ये जो वाटर है जस्ट दे आर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या हाइड्रेट की प्रेजेंट में प्रेजेंट है, तो हाइड्रेट कोई एक हम ये नहीं कह सकते कि काउंटर आयन है, ये दीज आर नॉट काउंटर आयन, ये सिर्फ हाइड्रेट्स हैं, ठीक है, काउंटर आयन ये है बेटे। अब काउंटर आयन क्योंकि पॉजिटिव लगा है तो आपका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ऑब्वियसली ये नेगेटिव होगा, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो नेगेटिव है, तो आप इसका नियम दोगे डाई एक्वा डाई ऑक्सलेटो क्रोमेट, और थर्ड और पीछे लिखोगे हाइड्रेट, आपने 3 नहीं लिखना, आप जस्ट राइट डाउन हाइड्रेट, गॉट इट, एनी डाउट, ठीक है, सो द नेम विल बी पोटेशियम डाई एक्वा डाई ऑक्सलेटो क्रोमेट, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी 3, और ये क्या हो गया बेटे हाइड्रेट, दिस इज हाइड्रेट, वॉटर एज अ लिगेंड एक्वा है, वॉटर एज अ वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हाइड्रेट है, ठीक है, वॉटर एज अ लिगेंड एक्वा है, वॉटर एज वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हाइड्रेट है। नेक्स्ट को नेम दो, हरी अप, ट्राई टू गिव द नेम टू द नेक्स्ट नाउ। हाँ जी बेटे, PY इज पिरिडिन, पिरिडिन कुछ इस तरह का हिट्रो साइक्लिक कंपाउंड है, दिस इज पिरिडिन,
ये जो नाइट्रोजन है इसके पास यहाँ पे लोन पेयर होते हैं जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। पी वाई पीरीडीन है। अब नेम दो, ये मैंने बताया हुआ है कल आपको। हरी आप तो बेटे थ्री क्लोरीन आर देयर, सो क्लोरीन इज अ नेगेटिव लिगेंड एंड पीरीडीन एक न्यूट्रल लिगेंड है। पीरीडीन एक न्यूट्रल लिगेंड, यस मान गया। हाँ पीरीडीन एक न्यूट्रल लिगेंड है। तो बेटे सी पहले आएगा, पी बाद में आएगा। हाँ अदरवाइज यू आर गिविंग द नेम, नेम इज नीदर करेक्ट। नो बेटे दिस इज सी पहले, ओके दिस इज ट्राई क्लोराइडो देन ट्राई पिरिडीन, ओके। फिर ये जो है बेटे दिस कॉम्प्लेक्स इज अ न्यूट्रल, क्योंकि कोई चार्ज नहीं दिया, इसका मतलब प्लस थ्री इसका माइनस थ्री इसका है तो इसका प्लस थ्री होगा। तो आप इसको क्रोमियम ही बोलोगे, क्रोमेट नहीं बोलोगे, क्योंकि ये अगर कैटाइनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर अगर एनाइनिक होता तब आप क्रोमेट बोलते। जैसे ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक एनाइनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर था क्योंकि इसका काउंटर आयन पॉजिटिवली चार्ज था, इसलिए हमने क्रोमेट बोला। मगर आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर न्यूट्रल या कैटाइनिक होगा बेटे तो आपने क्रोमियम ही बोलना है, ओके। हाँ समझ आ गई बेटे। इट इज ट्राई क्लोराइडो ट्राई पिरिडिनियम क्रोमेट क्रोमियम, ठीक है। इस पिरिडिन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इस पिरिडिन के ऊपर कोई अभी चार्ज नहीं है। क्यों चार्ज नहीं है? अगर चार्ज होता बेटे तो ये माइनस थ्री और प्लस थ्री कैंसल आउट हो जाना था, और क्रोमियम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आना था, ठीक है। तो ये पिरिडिन की फॉर्म में है, तो इट इज ट्राई क्लोराइडो ट्राई पिरिडीन क्रोमियम थ्री, डन। हाँ जी यस ऑल ऑफ यू, यस यू आर दे आर अवेक, ऑल आर स्लीपिंग समवेयर, तभी मजा नहीं आता हमें ऑनलाइन में आपके साथ। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स का नेम करके देखो, हरी आप नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स का नेम करके देखो बेटे, हरी आप। हरी आप, हरी आप। यस सो बेटे दिस इज अ काउंटर आयन दैट इज पोटेशियम। पोटेशियम को हम कोई टेट्रा ट्राई कुछ नहीं बोलेंगे, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो। और ये किस कौन सा कॉम्प्लेक्स है? अगेन ये एक एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसका काउंटर आयन जो है बेटे केटाइन है, क्योंकि काउंटर आयन आपका केटाइन है तो दैट इज वाई इट इज एनाइनिक कॉम्प्लेक्स। तो ये कैसे बोलोगे आप? पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो, और क्योंकि ये केटाइनिक नहीं है एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है, ये मैग्नेट, एट लगाओगे पीछे मैग्नेट। और क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी इसकी? प्लस टू। कैसे? प्लस फोर एक्स माइनस सिक्स, ठीक है जी। तो इसकी क्या आएगी बेटे? प्लस टू। तो इट इज पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो मैग्नेट टू। अब इसका बताओ बेटे, हरी अप। इसके बाद थोड़े से और डिफिकल्ट करते हैं हम, जल्दी। यस दिस इज सीजियम, दिस इज सीजियम देन टेट्रा क्लोराइडो, और अगेन ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। अगेन ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स क्यों है बेटे? क्योंकि जो सीजियम है वो काउंटर आयन एक केटाइन है,
अगर आपने केटाइन लगाया है तो ये एनाइनी कॉम्प्लेक्स है, तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे वर्ड, इसके लिए क्या यूज करोगे, फिरेट, ठीक है। और इसका क्या स्टेट आएगी आपकी, पॉजिटिव थ्री, ठीक है। तो इट विल बी सीजियम टेट्रा क्लोराइडो फिरेट थ्री, गॉट इट, इट इज फिरेट थ्री। नाउ नेक्स्ट, उदिन दे ट्राई टू नेम, हरी अप, yes, so I have written bit enough five, just try to name all of these, starting from this, this is the easiest one, theek hai bete, so again this is a counter ion, that is potassium, to iske liye aap try kuch bhi use nahi karoge, that is potassium, okay, you will just write down potassium. Or how many fluorine are there? There are six fluorine, so it will be hexa fluorido. It is hexa fluorido, as there are six fluorine. That is a negative ligand. Now this complex is positive or negative? This is anionic or cationic complex? Yes. As you have counter ion with a positively charged, thus this complex is a anionic complex. So for anionic complex, you use the word 8. So it is chromate. Now what is the oxidation state of this chromium? It is positive 3 plus x minus 6 means it will be 3. Okay. So it will be 3. Got it? So the next one, try to do the next one now. Hurry up. Hurry up, hurry up. So the next one, bit is C. इधर इसको इधर लगाओ, यस, सो बेटे दिस इज अमीन, दिस इज अगेन क्लोरीन, सो ए कम फर्स्ट, सो दिस इज हेक्सा अमीन, ओके, डाई क्लोराइडो, हेक्सा अमीन डाई क्लोराइडो, नाउ दिस कॉम्प्लेक्स, दिस कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज अ cationic in nature, as you have counter ion which are anionic, ठीक है जी, तो इसको platinum का platinum ही रहेगा, okay, so it will remain platinum as platinum, okay, so there is a
टेट्राअमीन, डाइक्लोराइडो, प्लेटिनम। ठीक, अब इसकी हमने क्या निकालनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एक्स जीरो माइनस टू माइनस टू मीन्स इट विल बी प्लस फोर। ओके, प्लस फोर। ठीक है जी, तो इट विल बी टेट्राअमीन, डाइक्लोराइडो, प्लेटिनम फोर। और इसको क्या बोलोगे आप, क्लोराइड। ये आयन है, बाहर पड़े हैं, इट इज क्लोराइडो, इट इज क्लोराइड। ठीक है जी, वन इज क्लोराइड, वन इज क्लोराइडो। हाँ जी, इधर आ जाओ बेटे, नेक्स्ट वाला देखो। अब आपके पास लिगेंड है, ये अमीन है, इसे कहा जाता है नाइट्रोसाइल। इसे कहा जाता है नाइट्रोसाइल। ठीक, तो दिस इज अमीन। हाउ मेनी अमीन आर देयर, देयर आर थ्री अमीन्स, वन इज नाइट्रोसाइल एंड वन टू आर क्लोरीन्स, दैट इज क्लोराइडो। सो इन द अल्फाबेटिक ऑर्डर, सबसे पहले अमीन ए, देन क्लोराइडो एंड देन कम नाइट्रोसाइड। ठीक है, और हमारा ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है बेटे, दिस इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड, इसलिए हमने नेगेटिवली चार्ज एनायन डालने हैं यहाँ पे। फॉर द पॉइंट, सो स्टार्ट नेमिंग इट ट्राई अमीन। डाइक्लोराइडो, नाइट्रोसाइल, प्लैटिनम, ठीक है, एंड नाउ द ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्स जीरो जीरो न्यूट्रल है ये भी, प्लॉजेट माइनस टू माइनस टू मीन्स प्लस फोर, इट विल बी फोर, एंड ब्रोमाइड। ओके, सो इट विल बी ब्रोमाइड। ठीक है जी, एनी डाउट बेटे, आई विल नॉट रिपीट इन द क्लास नाउ, जो आगे आ गया आज आई विल नॉट रिपीट। Thursday we'll start with VBT. Okay? So triamine, dichloride, nitrosyl, platinum, 4 bromide. Got it? Yes or no? Anji, Shivam, Gunjot, Kamya, Mansi, Krish. ठीक है जी, सो नेक्स्ट बेटे देखो, अपने आप करो, इसे हम बोलते हैं क्लोराइड, क्लोराइडो। ठीक है जी, इसे बोलेंगे, ये हमारा क्या हो गया, मिथाइल अमीन। मिथाइल अमीन बेटे एक कॉमन नेम है, तो आईयूपीएसी में मिथे अमीन बोलते हैं, जैसे हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं तो हम मिथाइल अमीन ना बोल के मिथेनामीन बोलते हैं। इट विल बी मिथेनामीन, ये हमारी होगी डाई अमीन, और ये बाहर है इसके। ठीक है जी, क्लोराइड। तो अब देखो, मैंने सब लिगेंड्स के नेम बता दिए आपको, अब अल्फाबेटिक ऑर्डर में खुद अरेंज करो। ये हो गया बेटे क्लोराइड, क्लोराइडो, इसे बोलोगे मिथेनामीन, इसे बोलोगे अमीन। अब अरेंज कर लो बस, हरी अप, अरेंज इट। हरी अप, तो सबसे पहले हमारा क्या जाएगा, अमीन, तो डाई अमीन, फिर क्या जाएगा, क्लोरीन वाला, है ना। सो दिस इज क्लोराइडो, तो डाई अमीन क्लोराइडो। ओके, और ये क्या हो जाएगा, मिथेनामीन, ये क्या हो जाएगा, मिथेनामीन। और अगेन ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि काउंटर आयन हमारा अनायनिक है। ठीक है जी, तो ये क्या हो जाएगा, प्लेटिनम।
और क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी इसकी? माइनस वन है, ये एक्स है, ये जीरो है, ये जीरो है और ये माइनस वन है, ठीक है, तो मीन्स प्लस टू आ जाएगी, ठीक है जी। तो प्लेटिनम क्या हो जाएगा? टू, और जो काउंटर आए ना उसको क्लोराइड को वैसे ही बोलोगे क्लोराइड। सो नेम क्या हो जाएगा बेटे? दैट इज योर डायमीन, क्लोराइडो मिथेनामीन, प्लेटिनम सेकेंड क्लोराइड। गॉट इट? ठीक है जी। अब नेक्स्ट वन देखो बेटे, नेक्स्ट वन में आपको दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर नजर आ रहे हैं। यू कैन सी टू कोऑर्डिनेशन स्फीयर इन नेक्स्ट वन। तो इन दोनों को बेटे अलग अलग नेम करोगे, मतलब इकट्ठा कॉम्प्लेक्स का नेम लिखोगे, पर पहले फर्स्ट का करोगे। इसका मतलब क्या होता है? जब ऐसे दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो, जो पहले वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, जो सेकंड वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो नेगेटिवली चार्ज है, पहले ये समझो। तो ये क्या बन गया बेटे? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। और ये क्या बन गया? एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अब जितना इस कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है उतना ही इस एनायनिक कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है, इसीलिए जैसे हम NaCl लिखते हैं तो प्लस वन नेगेटिव वन कैंसल आउट हो जाता है, ठीक है जी। ओके, समझ आइए बेटे? तो जितना इसके ऊपर चार्ज है उतना इसके ऊपर चार्ज, तो मगर इसके ऊपर पॉजिटिव में चार्ज होगा, इसके ऊपर नेगेटिव में होगा। तो इसमें जो सेंट्रल मेटल एटम है वो क्रोमियम ही रहेगा, जो इसमें सेंट्रल मेटल एटम है वो क्रोमेट, ये कोबाल्ट है तो ये कोबाल्टेट हो जाएगा, दिस विल बी कोबाल्टेट, ठीक है। अब देखो ये क्या बन गया? ये बन गया हेक्सा अमीन। अब क्रोमियम है, अब कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें? ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स प्लस जीरो प्लस एक्स माइनस सिक्स, तो टोटल पॉजिटिव सिक्स आ गई, है ना, टोटल पॉजिटिव सिक्स आ गई, पॉजिटिव थ्री इसको, पॉजिटिव थ्री इसको, क्योंकि टू एक्स है, ठीक है, टू एक्स तो पॉजिटिव थ्री इसको, पॉजिटिव थ्री इसको देके, क्योंकि अगर बेटे ये पॉजिटिव थ्री है, देखो ध्यान से, तो इसकी तो ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या चार्ज है? पॉजिटिव थ्री, है ना। अब कोबाल्ट है, कोबाल्ट भी पॉजिटिव थ्री है, और साइनाइड क्या होता है? माइनस सिक्स, सिक्स लगे हुए हैं, माइनस सिक्स पॉजिटिव थ्री, इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज क्या है? माइनस थ्री। तो ये कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज माइनस थ्री है और ये कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज प्लस थ्री है। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे नेम, हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे हेक्साअमीन, क्रोमियम थर्ड, ठीक है, और फिर ये शुरू कर दोगे, ये क्या बोलोगे? हेक्सा साइनाइडो। अब ये एक नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो ये हो जाएगा कोबाल्टेट। ठीक है जी, हाँ जी, गेटिंग? यस बेटे, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग? तो आपने जब दो आ जाए तो यू विल गिव द नेम लाइक दिस, ओके, दोनों को ही नेमिंग करनी होती है हमने। अब नेमिंग इससे उल्टा भी हमने कल करना शुरू किया था, यू विल गेट अ नेम एंड यू हैव टू राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड, ठीक है, तो उसके भी एक दो देख लेते हैं। यू विल बी गेटिंग द नेम एंड यू विल बी राइटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड नाउ। राइट डाउन पेंटा अमीन नाइट्राइटो ओ कोबाल्ट थ्री,
पेंटामीन, आपको नेम ऐसा आया है, हाँ जी, ये आपको बेटे नियम आया है और आपने एक कॉम्प्लेक्स बनाना है। हरी अब ध्यान से समझे इसको, नाइट्राइटो बेटे ये होता है NO2, है ना। NO2 एक एम्बिडेडेंट लिगेंड है जी, जो इससे भी अटैक कर सकता है, ठीक है, और नाइट ऑक्सीजन से भी अटैक कर सकता है। जब यहाँ पे ओ लिखा होता है इसका मतलब ये ऑक्सीजन से लिंक है, ठीक है जी, ये ऑक्सीजन से लिंक है। अब पहले तुम जब हमने स्ट्रक्चर बनाना है तो पहले सेंट्रल मेटल एटम लिखेंगे जो कि आपका कोबाल्ट है, ठीक है, कोबाल्ट लिख लिया। अब हमें पेंटामीन नजर आ रहा है तो पेंटामीन। अब नाइट्राइटो है जो ओ से लगा हुआ है तो हमने कैसे लिखना है इसको, ONO, इससे ये प्रूव हो जाता है कि जो लिगेंड है ऑक्सीजन से अटैक कर रहा है, इज अटैकिंग विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, और ये हमारा हो गया क्लोज। अब कोबाल्ट के ऊपर बेटे 3 चार्ज है, तो कोबाल्ट के ऊपर 3 चार्ज है और इसके ऊपर -1 होता है, ठीक है। नाइट्राइटो के ऊपर हमें पता है -1 होता है, तो आपका इसके ऊपर चार्ज क्या लिखोगे आप, +2। तो इसका ये स्ट्रक्चर का, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, ठीक है जी। हाँ जी, एनी डाउट? यस, गॉट इट? हाँ जी बेटे, सी।